हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर फिफ्थ, द 100 ड्रेसेस। आज हम चैप्टर फिफ्थ द 100 ड्रेसेस है उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो सब पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो जो द 100 ड्रेसेस 1 है, इसका 1 और 2 टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इसका जो 100 ड्रेसेस 1 है, ये बताता है एक वांडा नाम की जो गर्ल है उसके बारे में। वो बहुत पुअर होती है और उस तरह उसका क्लासरूम में किस तरह का बिहेव होता है, ये सब इसमें बताया गया है। वो एक पॉलिश गर्ल है और वो क्लासरूम में किस तरह से रहती है, लोग उसका किस तरह से उसको एज ए फनी वे में देखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही सब देखने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 64। टुडे मंडे, वांडा पैट्रोंस की, ये वांडा नाम है, ये आपको याद रखना है। वांडा पैट्रोंस की इसकी सरनेम है। वांडा वॉज नॉट इन हर सीट टुडे, आज का दिन मंडे है, वांडा जो है वो अपनी सीट पे नहीं है। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर अब्सेंस। लेकिन जो वांडा होती है उसकी कोई अब्सेंस, जब वो एब्सेंट रहती है तो किसी को पता ही नहीं चलता, यहाँ की पैगी और मैडलिन को, जबकि वो तो उसके बाजू वाली रो में ही बैठती हैं। यूजली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। अब जो वांडा है वो बैठती है रूम नंबर 13 में, लास्ट जो सीट होती है, और जो लास्ट सीट पे जो लास्ट रो होती है वहाँ पे। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कर्फिंग ऑफ फीट मोस्ट रोर ऑफ लाफ्टर वेन एनीथिंग फनी हु सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। अब जो वेंडा थी वो कहाँ पे कॉर्नर में बैठती थी, जहाँ पे जो रफ बॉयज़ मतलब शैतान बच्चे बैठते थे, जो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते थे, वो एक कॉर्नर रूम के कॉर्नर में बैठती थी। और वहाँ पे देखो, मोस्ट स्कर्फिंग मतलब होता है ड्रैगिंग करते हुए, पैर घसीटते हुए, जो पैरों की जो आवाज़ होती है, बच्चे वो वहाँ वहाँ पे चलते हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है उसी कोने में, और वहाँ पे अगर कुछ भी फनी थिंग्स होती है तो जो वो बॉयज़ थे, रफ बॉयज़, वही सबसे ज़्यादा हंसते थे। और वहाँ पे वो जगह भी बहुत गंदी होती थी, वो मड और डर्ट वाली होती थी फ्लोर पे, क्योंकि बच्चे जो शैतानी करते हैं वो बच्चे लास्ट में बैठे हैं, और उन्होंने जो उनका जगह है वो भी बहुत गंदा है। वांडा डिड नॉट सीट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी, वांडा उनके साथ इसलिए नहीं बैठती थी कि क्यों भी ऑन द कॉन्ट्रेरी वो उनके अपोजिट थी। सी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनी थिंग एट ऑल, और वो बहुत ही हमेशा चुपचाप रहने वाली थी। एंड नोबडी हैड एवर हियर हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने उसको बहुत तेज़ हंसते हुए भी नहीं सुना था। समटाइम्स सी ट्विस्ट हर माउथ इन टू ए क्रूक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वॉज ऑल। कभी कभी वो थोड़ा बहुत मुस्कुराती, जैसे ज़बरदस्ती मुस्कुराती हो, इवन उसको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा गया। Nobody knew exactly why Vanda sat in the seat, unless it was because she came all the way from Boggin Heights and her feet were usually caked with dry mud. और वो क्या होता था कि किसी को ये नहीं पता था कि वेंडा है वो लास्ट सीट पे क्यों बैठती, जब तक लोगों को ये नहीं पता चल गया कि वो बॉगिंग हाइट्स, ये बहुत दूर जगह थी, वहाँ पे रहती थी। और जब वो चलकर आती थी तो उसके जो पैर थे केक्ड मतलब होता है कवर्ड विद ड्राई मड, और उसके पैर है वो धूल से धूल लगी होती थी, इसलिए वो लास्ट बेंच पे बैठती थी। बट नो वन रियली थॉट्स मच अबाउट वेंडा पेट्रोंस की वंस सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, परंतु कोई वेंडा को ऑब्जर्व नहीं करता था कि वो कहाँ बैठी है। द टाइम वेन दी थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और वो लोग कब सोचते थे वेंडा के बारे में, जब स्कूल आवर्स लगभग ख़त्म हो जाते, या तो वो एट नून टाइम वेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, स्कूल वापस आते रहते तब सोचते, इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या फिर स्कूल होने से स्टार्ट होने से पहले, वेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। और वो उसके बारे में ग्रुप में जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते तो वो उसके ऊपर उससे बातें करते और उसके उसका मजाक बनाते। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन
कौन विद्धर, और काफ़ी बार तो उसके जो साथ के बच्चे होते थे वो उसका वेट भी करते ताकि वो उसका मजाक बना सके। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर। अब मंडे को भी वेंडा है वो स्कूल नहीं आती है, ट्यूसडे को भी नहीं आती है, एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, लेकिन कोई उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं करता है। बट ऑन वेनसडे पैगी एंड मैडी वो सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन ए हॉ लॉट ऑफ मड। डिड नोटिस दैट वेंडा वॉजंट देयर। अब इसमें देखना, ये जो पैगी और मैडी, ये दो नाम याद रखने के हैं, और दूसरा ये बॉगिंग हाइट्स पे रहती थी वेंडा, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब वेनेसडे को भी ये नहीं आती है वेंडा, तो पैगी और मैडी है वो कहाँ पे बैठती है, दूसरी चिल्ड्रंस के साथ जो गुड मार्क्स गेन करते हैं, और वो ऐसे ट्रैक पे चल के नहीं आते जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ होता है, जो से वेंडा चल के आती है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी है वो स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल है। सी वॉज वेरी प्रिटी एंड सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथिस एंड हर हेयर वॉज कर्ली। वो बहुत सुंदर है, उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस है और उसके हेयर भी कर्ली है। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और उसकी पैगी की मैडी क्लोज फ्रेंड है। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वेंडा हैड मेड फ्रॉम लेट टू स्कूल। अब पैगी और मैडी को वेंडा की जो एब्सेंस है वो रियलाइज होती है कब, जब वो एक दिन उसकी वजह से स्कूल में लेट हो जाती है। तो कैसे लेट होती है, दे हैड वेटेड फॉर वेंडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैडेंट कम, क्योंकि वो लोग स्कूल के बाहर वेंडा का वेट करते रहते हैं कि कब वो आए और कब उसका मजाक बनाए, इस कारण वो उसका वेट करते रहते और ये लोग लेट हो जाते। दे ऑफर वेटेड फॉर वेंडाज पेट्रोन्स कीज टू हैव फन विद हर। वो हमेशा ये ट्राई करते रहते थे कि हम कब वेंडा का मजाक बनाए, और कब मजाक बनाते बनाते वो लोग लेट हो गए, तो वो उसका हमेशा वेट करते थे कि उसके साथ फन करें। नाउ वी विल डिस्कस ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सीट एंड वाई। तो आंसर है, वेंडा पेट्रोंस्की यूज टू सिट ऑन कॉर्नर मोस्ट बेंचेस लोस्ट इन हर वर्ल्ड वेयर रफ बॉयज यूजली सेट। सी वॉज वेरी पुअर सी एंड क्वाइट गर्ल एंड सी नॉट वॉन्ट टू मेस विद अदर सो द प्रीफर टू सिट इन आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर टू है, वेयर डज वेंडा लिव, वॉट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज क्वेश्चन मार्क। वेंडा लाइव्स अपॉन बॉगिंग हाइट्स वेयर पुअर पीपल लाइव, इट इज़ नॉट ए डेवलप्ड एरिया एंड इट इज़ कवर्ड विद मड, देर आर नो प्रॉपर रोड्स एंड स्ट्रीट्स एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ स्लम। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेन एंड वाई डू पेगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस। वेंडा डिडंट कम टू स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूजडे बट नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस एज शी डिड नॉट फ्रेंड्स इन द क्लास। वेन पेगी एंड मैडी वेटेड फॉर वेंडा टू मेक फन ऑफ हर आफ्टर द स्कूल वॉज ऑफ दी नोटिस्ड एंड सी वॉज एबसेंट, अदरवाइज नोबडी बदर्स अबाउट हर देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वॉट डू यू थिंक डू हैव फन विद हर मीन्स। आंसर इज, टू हैव फन विद हर मीन्स टू लाव एट हर एज इट इज ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक फन ऑफ अदर इम्प्रेक्शंस imperfections with are mostly about the appearance. Here in the story, Wanda is a source of amusement or pleasure because of her sheer nature and her 100 dresses. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have name like that. They had names easy to say like Thomas, Smith or Alan. अब जिस जहाँ पे वेंडा पढ़ती थी वहाँ पे दूसरे बच्चे भी होते थे, और जो इसका नाम सब लोग अजीब समझते थे वेंडा पेट्रोंस्की, और वहाँ पे सबके सिंपल नेम होते थे लाइक थॉमस स्मिथ और एलन। और दूसरा एक बच्चा था, देर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस विली बाउंस एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वॉज। सब लोग बाउंस जो विली बाउंस थे उसके नाम को भी फनी समझते थे, लेकिन इतना नहीं जितना वेंडा पेट्रोंस की जो नाम था उसको फनी समझते थे। वेंडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा का कोई फ्रेंड नहीं था।
सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन. वो स्कूल अकेले आती, घर अकेले जाती. सी ऑलवेज वोर ए फैडेड ब्लू ड्रेस एंड डिडेंट हैंग राइट. डिडेंट हैंग मतलब डिड नॉट फिट प्रॉपरली. वो ऐसी ड्रेस पहनती थी जो जिसका कलर ब्लू था लेकिन फैड था, और वो उसको फिट भी नहीं हो रही थी. इट वॉज क्लीन, बट वो क्लीन रहती थी, बट इट लुक्ड एज द इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपरली. और इसको देख कर ऐसा लगता था कि उसने कभी उसको आयन नहीं किया हो प्रॉपरली. सी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स. उसका कोई दोस्त नहीं था. बट ए लोट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. परंतु बहुत सारी लड़कियाँ उससे बातें करती थी. समवन दे सराउंडेड हर इन स्कूल यार्ड एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉर्म हार्ड ग्राउंड. और वो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ उससे क्यों बातें करती थी, उसका मजाक बनाने के लिए. और वो काफ़ी बार क्या देखती कि बहुत सारी लड़कियाँ उसको घेर लेती, और जब वेंडा वहाँ से जाती तो वो देखती हॉपस्कॉच एक गेम होता है जिसमें स्क्वायर से बने होते हैं और उसमें नंबर्स लिखे होते हैं और उस पर जंप करके खेला जाता है. तो वो गेम खेलते हुए देखती. वेंडा पेगी वुड से इन मोस्ट कॉर्टियस मैनर्स. कॉर्टियस मीन्स रिस्पेक्ट. एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन. ये जो पेगी है ये वेंडा से बात करती है बहुत ही रिस्पेक्ट से, जैसे मिस मैसन उनकी क्लास टीचर है उससे बातें कर रही हो. वेंडा शी हैल शे गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए न्यू टेल अस हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेस्ट. कि तुमने बताया था कि तुम्हारे पास बहुत सारे ड्रेस का कलेक्शन है, तुम्हारे जो क्लोजेस्ट है तुम्हारा कबर्ड है उसमें बहुत सारी ड्रेसेस है वो हैंगिंग है. तो वहाँ पर कितनी सारी ड्रेसेस हैं. 100 वेंडा वुड से. वेंडा ने कहा 100 ड्रेसेस है. 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटल गर्ल्स इनक्रेडुलसली एंड द लिटल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन. ऐसा सब सुनते ही सब गर्ल्स थी वो जो हॉपस्कॉच खेल रहे थे, बच्चे सब रुक जाते हैं. ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा. वेंडा ने कहा मेरे पास 100 ड्रेसेज और सब लाइन से लगे हुए. दे हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस. और ऐसा कहकर वो अपने पतले होठों से एकदम चुप हो जाती है. वॉट आर दे लाइक ऑल सिल्क. क्या वो तुम्हारे पास सब सिल्क के हैं. आई बेट सेड पेगी. पेगी कहती है मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो तुम्हारे पास सब सिल्क के होंगे. या ऑल सिल्क ऑल कलर्स. हाँ सब सिल्क में है और सब कलर्स है. वेलवेट टू. वेलवेट भी है. सिल्क रेशमी होता है और वेलवेट जो मखमली होता है वो. या वेलवेट टू. हाँ वेलवेट भी है. 100 ड्रेसेस. वंडा वुड रिपीट स्टॉलिडी. स्टॉलिटी मतलब नॉट शोविंग एनी फीलिंग. वांडा फिर से रिपीट करती ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. और सब मेरे क्लोजेट में लाइन से रखे हुए हैं. देन दे हैड लेट हर गो एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इन टू स्ट्रिंग्स एंड पियर्स ऑफ लाफ्टर. और इतना कहकर जैसे ही वो जाने लगती है तो सब लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं. 100 ड्रेसेस. ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन सी वोर एवरी डे. अब ये बात तो तय है कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस थी तो उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं हो सकती, क्योंकि वो डेली ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आती थी. सो वाई डिड सी शेयर सी हैड ए 100 वॉट ए स्टोरी. तो वो ऐसा क्यों बोल रही थी, ऐसी क्या स्टोरी है. हाउ मैनी शूज डिड यू शे यू हैड. तुम्हारे पास जूते कितने हैं. ऐसा पेगी पूछती. 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. 60 पेयर्स है और वो भी बहुत अच्छे से मेरे क्लोजेट में रखे हुए हैं. क्राइज ऑफ एक्सर्सिस पॉलिटेनियस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक. और सब लोग ठाके मार के जोर जोर से हंसते हैं चिल्लाते हैं. ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट. हर एक पेयर डिफरेंट है. ऑल कलर्स में है. ऑल लाइंड अप. अब फिर वांडा बोलती कि सब कलर के हैं और सब डिफरेंट डिफरेंट है और वो भी बहुत लाइन्स अच्छे से लाइन से रखे हुए हैं. तो स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 66 पे हम अपना पार्ट वन है वो ख़त्म कर रहे हैं. आई होप आपको स्टोरी समझ में आएगी. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट टू करेंगे. थैंक यू.